हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 13 पार्ट 2। आवर चैप्टर नेम इज ग्रीन एंड क्लीनर। एज वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन, ग्रीन मीनिंग द ग्रीनरी ऑफ द प्लांट एंड ग्रास ट्रीज दैट मेक आवर हेल्दी एंड फ्रेश। And also the meaning of cleaning the to house the throw all the wastes and garbage from the earth surface to in a particular area and treat it then. So in previous part we discussed about the how to why trees are important for us. In this part we discuss about the our environment. First of all, think what is the environment? The atmosphere that are present in surround us, where are present living on non both things. ठीक है, वो एटमॉस्फेयर जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, आवर एनवायरनमेंट। एंड दिस पार्ट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द पोल्यूशन, व्हाट इज द पोल्यूशन एंड आल्सो द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। एंड लास्ट इन दिस पार्ट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। Our environment is made up of both living and non-living things. हमारा environment जो है वो दोनों living और non-living things से मिलकर बना हुआ है। We depend on the environment for all our needs, और हम environment पर अपनी needs के लिए depend करते हैं। We get food, furniture, clothes, books, newspapers and many more things from the environment। और हम अपने environment से food, furniture, clothes, book, newspaper और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेते हैं। Many human activities are damaging the environment, और बहुत सारी ऐसी human activities हैं जो environment को damage कर रही हैं। For example, smoke from factories and vehicles is making the air dirty। For example, जो फैक्ट्रीज और व्हीकल का स्मोक होता है वो एयर को डर्टी बनाता है। दिस डर्टी एयर कैन मेक अस फॉल सिक, और यही डर्टी एयर हमको सिक बनाती है, मीन बीमार करती है। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमन बीइंग्स दैट कैन कॉज हार्म और डिसकम्फर्ट टू ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉल्यूशन। वह सभी अनडिजायरेबल चेंजेस जो एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और उसके कारण ह्यूमन बीइंग्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म और डिस्कम्फर्ट होता है, इन सभी थिंग्स को पॉल्यूशन कहा जाता है। द सब्सटेंस डेट कॉज पॉल्यूशंस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट, और वह सब्सटेंस जो पॉल्यूशन करते हैं उनको पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। There are four main types of pollution. यहाँ four types के main pollutions हैं, air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. First, air pollution. The smoke from factories and vehicles mix with the air and makes it unfit for breathing. Factories और vehicles से निकलने वाला smoke जो air में mix हो जाता है और हमको breathing के लिए unfit करता है। बर्निंग ऑफ वुड एंड वेस्ट मटेरियल आल्सो पॉल्यूटेड द एयर, जलती हुई लकड़ियाँ और वेस्ट मटेरियल का स्मोक भी एयर को पॉल्यूटेड करता है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स गिव टू लॉट ऑफ स्मोक एंड पॉल्यूट द एयर, फूटते और जलते हुए फटाके भी एयर में बहुत ज़्यादा स्मोक से एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। कीप द एयर क्लीन, प्लांट्स मोर ट्रीज, बहुत ज़्यादा ट्रीज लगाइए। स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट, हमेशा रेड लाइट पर इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए। वॉक और यूज अ बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए वॉक या बाइसिकल का यूज करना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वॉशिंग क्लॉथ्स और यूटेंसिल इन द वाटर बॉडीज। वाटर पॉल्यूशन वाटर बॉडीज के पास में क्लॉथ्स और यूटेंसिल को वॉश करने से होता है। डर्टी वाटर फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज गोज इन टू ड्रेन्स विच रिलीज वाटर इन टू वाटर बॉडीज एंड पॉल्यूट डैम। हमारे घरों से और
फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी जो जाकर वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाता है और उसको पॉल्यूटेड करता है। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स, दीज फर्टिलाइजर्स आर कैरिड अवे बाय रेन एंड देन मिक्स विथ वाटर बॉडीज़ दे आर बाय पॉल्यूटेड वाटर। फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और यही फर्टिलाइजर्स रेनिंग के बाद उस रेन वाटर के साथ मिक्स होकर वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाता है और वाटर को पॉल्यूट करता है। पॉल्यूटिंग मीन प्रदूषित करता है। कीपिंग द वाटर क्लीन, अब वाटर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन टू द वाटर बॉडीज, और कभी भी वाटर बॉडीज़ में गार्बेज को नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट वॉश क्लोथ्स इन और नियर वाटर बॉडीज, कभी भी वाटर बॉडीज में उनमें और उनके पास में इसमें क्लोथ्स को वॉश नहीं करना चाहिए। द डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज मस्ट बी ट्रीटेड फर्स्ट एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड देन अलाउड टू गो इन टू वाटर बॉडी। सबसे पहले घरों और फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को वाटर ट्रीटमेंट या प्लांट्स के द्वारा ट्रीट करके ही उसके बाद उनको वाटर बॉडीज में मिक्स करना चाहिए। सॉइल पॉल्यूशन, व्हेन हार्मफुल वेस्ट मिक्स विथ सॉइल, जब कोई हार्मफुल वेस्ट सॉइल में मिक्स होता है दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन, और ये सॉइल पॉल्यूशन करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वेस्ट फ्रॉम होम्स फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल फॉर्म्स। सॉइल पॉल्यूशन घर से और फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर फॉर्म से निकलने वाले वेस्ट के कारण होता है। कीप द सॉइल क्लीन, हमेशा सॉइल को क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, और कभी भी गार्बेज को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉइस पॉल्यूशन, लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। लाउड और अनप्लीजेंट साउंड को ही नॉइस कहा जाता है। नॉइस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एरोप्लेन्स एंड फैक्ट्रीज कॉज डिस्कम्फर्ट टू पीपल एंड रिजल्ट इज नॉइस पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल्स एयरप्लेन्स और फैक्ट्रीज से निकलने वाली नॉइस जो पीपल्स को डिस्कम्फर्ट फील कराती है और इसी का रिजल्ट रहता है नॉइस पॉल्यूशन। बेस्ट टू प्रिवेंट नॉइस पॉल्यूशन, वह रास्ते जिसके द्वारा हम नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। प्ले म्यूजिक सिस्टम एंड टेलीविजन एट लो वॉल्यूम, हमेशा म्यूजिक सिस्टम और टेलीविजन को लो वॉल्यूम पर चलाना चाहिए। डू नॉट ब्लो हॉर्न अनलेस नेसेसरी, कभी भी हॉर्न को बिना जरूरत के नहीं ब्लो करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेट फ्रॉम आवर डेली एक्टिविटीज, बहुत सारे टाइप का वेस्ट हमारी डेली एक्टिविटी के द्वारा जनरेट किया जाता है। वेस्ट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स पेपर्स एंड लेफ्ट ओवर फूड जनरली रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल। जो हमारा वेस्ट जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल पील्स पेपर्स एंड लेफ्ट ओवर फूड ये सॉइल के साथ रूट एंड मिक्स हो जाता है। सच वेस्ट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इसी टाइप के वेस्ट मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स बॉटल ग्लास एंड रबर डू नॉट रूट, वह वेस्ट जैसे प्लास्टिक बैग्स बॉटल्स ग्लास रबर जो कि रोट मीन कंपोज्ड नहीं होता है दे रिमेन्स इन द सॉयल फॉर मैनी ईयर्स, और इस सॉयल में मैनी ईयर्स तक ही रह एज इट इज़ रहते हैं। सच वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इसी टाइप के वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। So, what do we learn in this part? We learn in this part related to our environment, what is our environment, and which things are present in our environment. We also learn related to pollution, what is the pollution. Pollution create with the help of doing a human activity. The human activities होती है, उन्हीं के कारण क्या होता है? Pollution create होता है. That are harmful for also human beings and living beings. जितनी भी things होती हैं, जितनी भी things होती हैं, उन सभी के लिए pollution क्या होता है? हार्मफुल होता है। एंड वी आल्सो डिस्कस रिलेटेड टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस आर प्रेजेंटिंग इन सराउंड अस। मेनली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, द स्मोक ऑफ द फैक्ट्रीज व्हीकल्स एंड बर्निंग वुड क्रैकर्स दैट मेक आवर एयर
When we wash the clothes and utensils, the wastage of factories in our home, then mix with the water bodies and make the water unclean and polluted. The type of pollution we call as known as water pollution. Third one is soil pollution. The waste material as a garbage we throw out from the soil and it do not compost with the soil and not mix with the soil. The result of the garbage and create a type of pollution. The type of pollution has been known as soil pollution. Last one is noise pollution. First of all, things we discuss in this chapter, what is the noise? The loud and unpleasant voice is being known as noise, and the noise make us unfit, unpleasant, uncomfortable. That type of pollution we say that is a noise pollution. And we also last in this part we discuss the biodegradable and non-biodegradable waste. What is the meaning of biodegradable? Biodegradable means that type of a waste material who root and mix with the soil. The type of waste material who root means jo completely composed, decomposed ho jate hain kisi saan. Soil is not and mix ho jate hain. These are the biodegradable. And what is the meaning of non-biodegradable? As we know, non means the material who are not mixed with the soil and not rooted. So here, if you have any kind of doubt related to these topics of GS, so watch the all videos carefully. Have a nice day. Stay home. Stay fit. Stay safe. Jai Hind.